Hello friends, I am Sanjay Gupta. Welcome on Sanjay Gupta Tech School. So, C language video series का ये lecture number 32 है, जो कि पूरी video series को complete करने के बाद कुछ important topics को revise करने के लिए मैं बना रहा हूँ. So basically, this is for engineering students. अगर आप engineering student है और आपने BTech complete कर लिया, या फिर आप third year या fourth year में, और आप अपने placement की preparation करना चाहते हैं, तो वीडियो सीरीज को देखने के बाद आपको पूरी सी लैंग्वेज के बारे में आइडिया हो जाएगा. बट हम चाहते हैं कि हम एक क्विक रीकैप करें कि अगर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएं कि ऑपरेटर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय एड्रेस क्या है, तो हमें उसके ब्रीफ आंसर्स पता होने चाहिए. तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं और आपको वाइवा की प्रिपरेशन करनी है, तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. सो इसमें वाइवा वॉइस प्रिपरेशन हो जाएगा, कैंपस प्लेसमेंट अगर इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें सी लैंग्वेज को आपको प्रिपेयर करना है, तो वो आप इसमें इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं. और अगर आप अपनी नॉलेज को रिवाइज करना चाहते हैं, नॉर्मली होता क्या है, बीटेक में सी हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, और कैंपस इंटरव्यूज होते हैं थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के अंदर, तो हमें एक बार के लिए अपनी जो नॉलेज है उसको रिवाइज करना होता है. तो इंडिविजुअल लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको उस टॉपिक के बारे में पता चला होगा, बट आप चाहते हैं कि मुझे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हर टॉपिक का एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए, तो उसके लिए मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ. वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन रेज होता है तो ये मेरी डिटेल्स है, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो अब यहाँ पर आप देखिएगा, टू द पॉइंट बात करेंगे बिल्कुल. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस ऑपरेटर टेल्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी पर्टिकुलर वेरिएबल. ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया. अब आपसे पूछा जाएगा कि इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम स्कैनएफ के अंदर जब भी किसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो उसके आगे एम्परसेंट साइन लगाते हैं, जो कि यहाँ मेंशनड है, जिसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं. तो जब भी आपको वैल्यू स्कैन करनी है आप इस ऑपरेटर को यूज करते हैं, तो वो वेरिएबल का एड्रेस बताता है. दूसरा यूज, जब आप पॉइंटर यूज करते हैं तो पॉइंटर में किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं. तो डेफिनेशन के साथ अगर आप एग्जांपल भी बताएंगे तो आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है वाइवा में या फिर इंटरव्यूज के अंदर. देन नेक्स्ट कम्स एरे. सो अब ये जो मैंने क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर किए हैं, जो हेडिंग आप देखेंगे ये अल्फाबेटिकल है. ठीक है, तो रैंडमली आपके सामने टॉपिक्स आएंगे जिनको अपन डिस्कस करेंगे. So an array is a group of related data items that share a common name. Array is basically a user-defined data type that is used to hold several variables of same data type. तो अगर हम बहुत सारे variables बनाना नहीं चाहते और एक ही variable में बहुत सारी values को store करना चाहते हैं जो कि same type की है, same data type को belong करती है, तो उसके लिए हम array use कर सकते हैं. Then all the members of an array are stored in consecutive memory locations, so continuously allocate होती है memory. Then last point says the number of variables which an array can hold is size of the array, जिसके लिए हम square bracket use करते हैं. तो square bracket में जो value आप mention करते हैं वो array का size बताती है. और three types के array होते हैं, 1D array, 2D array and 3D array. Right? Next comes associativity. So the operators of the same precedence. अब precedence का मतलब होता है priority of operator. तो जब हम P वाले alphabet पर पहुंचेंगे तब precedence आएगा. मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रेसिडेंस का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटर्स. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है या कैलकुलेशन है उसमें दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के आ गए जिनका ऑर्डर सेम है, तो उनको या तो हम लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करते हैं या राइट टू लेफ्ट. तो यहाँ दो चीजें मेंशन है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल, दिस इज नोन एज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑपरेटर. तो अब एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर की क्या होती है उसको देखने के लिए आप नेट पर सर्च कर सकते हैं प्रेसिडेंस टेबल ऑफ सी. तो वहां पर आपको हर ऑपरेटर का रैंक और उसकी एसोसिएटिविटी देखने को मिल जाएगी. देन बाइनरी फाइल्स, ये हमने फाइल हैंडलिंग में देखा था. कंटेंट्स आर स्टोर्ड एज वन एंड जीरो, इट ऑक्यूपाइज वेरी लेस स्पेस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू व्यू एंड मॉडिफाई बाइनरी फाइल्स. तो अपन सिर्फ इसको कोड के थ्रू ही स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं. अगर नॉर्मली आप फाइल ओपन करके देखेंगे तो आपको कुछ भी रीडेबल नहीं मिलेगा. देन बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज विच यूज टू ऑपरेंड्स इन एन एक्सप्रेशन.
सो अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर मैं लिखता हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो यहां पर प्लस तो एक ऑपरेटर है, ठीक है, और उसके आसपास दो ऑपरेंड्स हैं ए और बी। तो ये जो प्लस हम यूज कर रहे हैं, क्या हम प्लस को बिना दो वेरिएबल्स के ऑपरेट कर सकते हैं अगर हमें एडिशन परफॉर्म करना है? तो आप बोलेंगे नो, इट मींस प्लस को दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ऑपरेटर जिनको टू ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हो जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। देन ब्रेक, इट इज अ कीवर्ड। सो वी ऑफन कम अक्रॉस द सिचुएशन वेयर वी वांट टू जंप आउट ऑफ अ लूप इंस्टेंटली विदाउट वेटिंग टू गेट बैक टू द कंडीशनल टेस्ट। द कीवर्ड ब्रेक अलाउज अस टू डू सो। तो जब भी आपको ब्रेक को टर्मिनेट करना है, या फिर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो हम स्विच में भी ब्रेक को यूज करते हैं कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप ब्रेक यूज कर सकते हैं। देन व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ ऑफन जस्ट सी इज अ जनरल पर्पज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन अर्ली 1970s बाय डेनिस रिची। तो ये बेसिक चीज है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देन कॉल बाय एड्रेस, ये मैंने फंक्शन में एक्सप्लेन किया था। तो जब हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वेरिएबल पास करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो सेकंड फंक्शन है उसमें अगर कोई चेंज होता है तो फर्स्ट फंक्शन में वो चेंज रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम वेरिएबल्स की वैल्यू ना पास करके उनके एड्रेसेस पास करते हैं, इसीलिए उस कॉलिंग को क्या बोलते हैं, कॉल बाय एड्रेस। सो इन दिस मैकेनिज्म द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड टू द फंक्शन। Therefore, if any change occurs in the values of formal arguments, that change also gets reflected in the actual arguments. Call by address is accomplished using pointer. तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं, actual arguments और दूसरा है formal. तो actual arguments तो वहां available होंगे जहां से function call होगा, और formal arguments वहां available होंगे जहां उस called function की definition होगी, ठीक है। तो अगर कॉल्ड फंक्शन की डेफिनेशन में कोई चेंज होता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, तो वो चेंज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर भी रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज कॉल बाय एड्रेस में हम क्या यूज करते हैं, पॉइंटर्स। देन नेक्स्ट कम्स कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, इन दिस मैकेनिज्म द पैरामीटर्स आर पास्ड डायरेक्टली, दैट इज वी पास द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू द कॉल्ड फंक्शन। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, तो अगेन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहां अवेलेबल होंगे, जो फंक्शन हमने कॉल किया उसकी डेफिनेशन में। नो चेंज अकर इन द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होते हैं जिस फंक्शन के थ्रू दूसरा फंक्शन कॉल किया गया है। तो यहाँ दो फंक्शन हो गए, पहला कॉल करता है और दूसरा कॉल होता है। तो जो कॉल कर रहा है वहां एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो कॉल होता है वहां पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू के केस में अगर आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को चेंज करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होते। This is because the copies of the actual arguments are passed to the formal argument. तो यहाँ पर actual और formal में कोई relation नहीं होता है। तो जब दो variable में कोई relationship नहीं होगी तो दोनों की memory separate होती है, तो एक में change करेंगे तो दूसरे पर उसका reflection नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ जब आप pointers relation create करते हैं तभी होता है। Next comes case sensitivity. तो ये बहुत ही simple है। Case sensitive is a term in which lower case and upper case characters are treated differently. तो अगर आप small a लिखते हैं और capital A लिखते हैं तो दोनों का meaning different होता है। तो जैसा अपन अपनी email ID का password बनाते हैं, passwords are case sensitive. जो upper case में लिखा है वो upper में ही लिखना है, जो lower case में लिखा है वो lower case में ही लिखना है। तो same approach C language follow करता है। तो C में upper case और lower case का आपको ध्यान रखना पड़ता है, because it is case sensitive. Then conditional operator. तो दो सिंबल हम यूज करते हैं, पहला क्वेश्चन मार्क एंड दूसरा कोलन। सो कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन आर समटाइम्स कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर सिंस दे टेक थ्री आर्ग्यूमेंट्स। तो दो ऑपरेटर हो गए तो थ्री पैरामीटर्स हमें यूज करने हैं। दिस ऑपरेटर वर्क सिमिलर टू कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इज इफ एल्स। तो नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है कि हम इफ एल्स यूज ना करके कंडीशंस को एक ही लाइन में चेक करना चाहते हैं, उसका ट्रू और फॉल्स पार्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो उसके लिए आप फिर ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट, सो अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट डजंट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दिस क्वांटिटी कैन बी स्टोर्ड एट अ लोकेशन इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो कांस्टेंट को हम स्टोर करते हैं और वो जहां पे स्टोर होते हैं उन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 5, तो वहां पर 5 हो जाएगा कॉन्स्टेंट और ए वेरिएबल होगा जिसमें हम उस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में 4 टाइप के कॉन्स्टेंट होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो इन चारों टाइप के कॉन्स्टेंट्स को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और वेरिएबल में स्टोर करके भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कंटिन्यू कीवर्ड। सो इन सम कंडीशंस वी वांट टू टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप बाय पासिंग द स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप व्हिच हैव नॉट येट बीन एग्जीक्यूटेड। द कीवर्ड कंटिन्यू अलाउज अस टू डू सो। तो जैसे आपने एक फॉर लूप लिखा, व्हाइल लूप लिखा या डू व्हाइल लूप लिखा, और लूप के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के पास आप चाहते हैं कि उस स्टेटमेंट के बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो और लूप अपना एक रोटेशन स्किप कर दे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यू कीवर्ड। तो ब्रेक तो लूप को टर्मिनेट ही कर देता है, बट कंटिन्यू लूप का एक रोटेशन स्किप कर देगा जब वो अकर होगा और उसके बाद वाले रोटेशंस नॉर्मल वे में एग्जीक्यूट हो जाए। देन डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा विच वी वॉन्ट टू स्टोर इन वेरिएबल्स। तो आपने प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप यूज किए होंगे, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग, वॉइड। सो ऑल दीज आर डेटा टाइप जो जिस टाइप की वैल्यू आपको स्टोर करनी है उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। नाउ डीबगिंग। सो टू करेक्ट अ प्रॉब्लम इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, डीबगिंग द सॉफ्टवेयर मीन्स लोकेटिंग द एरर इन द सोर्स कोड, द प्रोग्राम लॉजिक जो आप इंप्लीमेंट करते हैं। डीबगिंग हार्डवेयर मीन्स फाइंडिंग एरर्स इन द सर्किट डिजाइन, लॉजिकल सर्किट्स और इन द फिजिकल इंटरकनेक्शंस ऑफ द सर्किट्स। तो डीबगिंग मतलब एरर आइडेंटिफाई करना कि क्या प्रॉब्लम है एंड उसको रिजॉल्व करना। तो बग मतलब एक एरर होता है, तो डीबगिंग उस एरर को आइडेंटिफाई करना, रिजॉल्व करना। तो कई बार आपने सुना भी होगा कि आपसे कोई पूछता है कि कोड में क्या कर रहे हो, तो आप बोलते हैं डिबग कर रहे हो। डिबग मतलब एरर आइडेंटिफाई करना, या फिर आप इस कोड की डीबगिंग कर सकते हैं क्या, तो इस तरह की टर्म्स आपने सुनी होंगी। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको मेमोरी एलोकेट करनी है रन टाइम पर, तो उसके लिए हम डायनेमिक मेमोरी यूज करते हैं। और प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग मेमोरी यूज करना चाहते हैं तो हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं। तो ये मैंने एक वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसी वीडियो सीरीज में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। देन एग्जीक्यूटेबल कोड। सो सॉफ्टवेयर इन अ फॉर्म दैट कैन बी रन इन द कंप्यूटर, इट टिपिकली रेफर्स टू मशीन लैंग्वेज विच कंप्राइज ऑफ नेटिव इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर कैरीज आउट इन हार्डवेयर। तो ऐसा कोड जो कि आप एग्जीक्यूट कर पाए, तो आपने देखा होगा जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो पहले वो कंपाइल होता है, देन हम एग्जीक्यूट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कंपाइल होता है तो एक बाइनरी फाइल बनती है जो कि ऑब्जेक्ट कोड होता है। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट कोड मिला वो फर्दर कन्वर्ट होता है एग्जीक्यूटेबल कोड में, जो कि फाइनली रन होता है। नाउ फाइल। तो फाइल हैंडलिंग में हमने ये टर्म यूज किया था फाइल। सो फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इन सी अ फाइल इज कंसीडर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स वेयर ईच बाइट हैज अ यूनिक एड्रेस। एनी एड्रेस ऑफ बाइट इज नोन एज इट्स ऑफसेट। द पोजिशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर स्टेट्स फ्रॉम वेयर द रीड और राइट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड। तो आपने अगर फाइल हैंडलिंग का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने फाइल पॉइंटर यूज किया था कैपिटल फाइल के साथ डिक्लेयर करके, तो वो बताता है कि हमें रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन किस पोजिशन पर परफॉर्म करना है। द करंट पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इज कॉल्ड करंट ऑफसेट। तो बेसिकली ये जो फाइल्स है हम फाइल हैंडलिंग को प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। और नॉर्मली तो आप अपनी जो सी फाइल बनाते हैं डॉट सी से उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। देन फॉर्मेट स्पेसिफायर, जब भी आपको रीडिंग प्रिंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है प्रिंट एफ और स्कैन एफ के थ्रू, तो इंट के लिए हम यूज करते हैं परसेंट डी, इंटीजर टाइप वेरिएबल के लिए, फ्लोट टाइप वेरिएबल के लिए परसेंट एफ, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स के लिए परसेंट सी। नाउ फंक्शन। सो अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ कंट्रोल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। तो फंक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम मेन के अलावा भी और फंक्शंस बना सकते हैं जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली फंक्शन इज अ सेट ऑफ कंट्रोल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। तो एक फंक्शन एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। Once a function has been defined and packed, it can be treated as a block box that takes some data from the main program and returns a value. तो वो कुछ इनपुट रिसीव करेगा, कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा
और एक रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि वो रिजल्ट रिटर्न करे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो रिजल्ट डायरेक्टली प्रिंट करते हैं और रिटर्न ना करें। तो उसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आप रिटर्न टाइप इंट यूज करते हैं या फिर वॉइड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज गेट सी एच। तो जिन्होंने टर्बो सी कंपाइलर पर प्रोग्रामिंग की होगी उन्होंने गेट सी एच यूज किया होगा। तो बेसिकली इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन विच इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम कंसोल, बट इट डजंट इको दैट कैरेक्टर। तो की प्रेस करेंगे तो वो उसको रीड कर लेता है, बट स्क्रीन पर वो विजिबल नहीं होती है कि आपने क्या कैरेक्टर प्रेस किया। गेट केयर, इट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन विच इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम कंसोल, बट इट टर्मिनेट्स बाय स्लैश एन। मतलब की प्रेस करने के बाद एंटर भी प्रेस करना पड़ेगा। इट इकोज द कैरेक्टर एंटर्ड बाय द यूजर। तो जो की आप प्रेस करते हैं वो आपको दिखता भी है कि आपने ये प्रेस किया। एंड गेट सी एच ई, इट ऑल्सो रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम कंसोल, एंड ये की जो आप प्रेस करते हैं वो इको भी करेगा। तो तीनों में डिफरेंस क्या हुआ? गेट सी एच, की प्रेस की, रीड हो गया, ना तो डिस्प्ले हुआ ना ही एंटर प्रेस करना पड़ा। गेट केयर, की प्रेस की, जो की आपने प्रेस की वो आपको दिख भी रही है और आपको एंटर भी प्रेस करना है और वो रीड हो जाती है। गेट सी एच ई में जो की प्रेस करेंगे वो दिखेगा, बट उसके बाद एंटर प्रेस नहीं करना है, जैसे ही की प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली रीड हो जाता है। नाउ हार्डवेयर बहुत ही सिंपल है। इन ऑपरेशन अ कंप्यूटर इज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वन इज यूजलेस विदाउट द अदर। द हार्डवेयर डिजाइन स्पेसिफाइज द कमांड्स इट कैन फॉलो एंड द इंस्ट्रक्शन टेल इट व्हाट टू डू। हेडर फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर प्रोग्राम में हमने यूज किया है। सो दीज आर द फाइल्स विच कंटेन्स डिक्लेरेशन ऑफ द प्री डिफाइंड फंक्शन। तो जैसे प्रिंट एफ स्कैन एफ के लिए हमने यूज किया, stdio.h, sqrt pow के लिए यूज किया था, mat.h, exit के लिए यूज किया था, stdlib। तो ऐसी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जो अलग अलग प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए बनाई गई हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। देन इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। सो इट अलाउज द कंप्यूटर टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन फर्स्ट, एंड देन डिपेंडिंग ऑन वेदर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन और कंडीशन इज ट्रू और नॉन जीरो और फॉल्स जीरो, इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो अगर ट्रू होगा तो इफ के साथ जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो चलेंगे, फॉल्स होगा तो एल्स के साथ जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। द पॉइंट ऑफ प्रोग्राम हैज टू पाथ्स टू फॉलो, वन फॉर द ट्रू कंडीशन एंड द अदर फॉर द फॉल्स कंडीशन। देन कम्स इंडेक्स ऑफ एरे। सो इंडेक्स ऑफ एरे इज यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव एनी पर्टिकुलर वैल्यू इन और फ्रॉम द एरे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड एंड्स टू एन माइनस वन। तो आपने जो भी एरे के प्रोग्राम बनाए होंगे वहां पर लूप जीरो से स्टार्ट किया होगा और लेस देन एन तक चलाया होगा, या लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन तक चलाया होगा। और बेसिकली इंडेक्स करता क्या है कि जब हम एरे बनाते हैं तो एरे का नाम एक ही रहता है, बट लोकेशन बहुत सारी होती है, तो एक ही नेम से अलग अलग लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं। देन इंस्ट्रक्शन, सो अ सी इंस्ट्रक्शन, इन सी instructions आर द स्टेटमेंट्स विच tells कंप्यूटर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। तो जैसे आपने प्रिंट एफ लिखा, आपने कोई एडिशन किया, मल्टीप्लीकेशन किया, स्कैन एफ लिखा, इफ लिखा, तो ऑल दीज आर स्टेटमेंट्स जिनको अगर कंबाइन करते तो एक प्रोग्राम बन जाता है। कीवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी कंपाइलर और इन अ ब्रॉड सेंस टू द कंप्यूटर। द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स, because if we do so we are trying to assign a new meaning to the keyword which is not allowed, and the keywords are also called reserve words. Library functions, so library functions are called predefined function, like we use printf, scanf, getch, these all are library functions whose definition have already defined in system library which we include before we write our main function. theek hai, तो ऐसे फंक्शन जिनका कोड पहले से लिखा हुआ है, कंपाइलर को पहले से मालूम है, आपको सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है और एक हेडर फाइल यूज करना है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। देन कम्स लूप। फॉर सॉल्विंग वेरिएबल साइज प्रॉब्लम्स प्रोग्राम्स नीड टू एग्जीक्यूट सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेनी टाइम्स टू डिटरमाइन द रिजल्ट। दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज रेफर्ड टू एज इटरेशन और लूप। तो एक ही टास्क को अगर आपको बार बार नहीं लिखना है तो आप उसके लिए लूप चला सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाता है। तीन तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, जो कि आप यूज कर सकते हैं।
Then comes main function. So main is a user defined function that is must for every program. तो आपने आज तक बिना main function के कोई भी program नहीं लिखा होगा. So main is must और main के अलावा आप function बना सकते हैं but main को ignore नहीं कर सकते. क्यों? Because without main function any program can't execute. Then comes object code. So जब भी हम program को compile करते हैं so object code is created by a compiler and is then turned into executable code by the linker. Then comes operator. So an operator is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical manipulations. Operators are used in programs to manipulate data and variables. So for example, आप use करते हैं plus, minus, multiply, less than, greater than, equals to. So all these are operators. So basically तीन तरह के operator होते हैं, unary, binary and ternary. यूनरी वो होते हैं जिनको एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, बाइनरी वो होते हैं जिनको दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, और टर्नरी वो होते हैं जिनको तीन ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो ऑपरेंड का मतलब यहाँ पर है वेरिएबल या फिर कॉन्स्टेंट. देन पॉइंटर. सो पॉइंटर्स आर द वेरिएबल्स विच आर यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर आपको स्टोर करवाना है तो आप पॉइंटर यूज करेंगे. Since the addresses are always whole numbers, therefore pointers always contains whole numbers. We can have an integer pointer, a float pointer, a character pointer, etc. So, jis type ka variable hai, us type ka pointer aapko banane ki permission hai, aap use kar sakte hai. Yeah, precedence, toh main already explain kar chuka hoon. Fir se dekhte hai. Each operator in C has a precedence associated with it. This precedence is used to determine how expression involving more than one operator is evaluated. There are distinct level of precedence and an operator may belong to one of these labels. The operators at the higher level of precedence are evaluated first. तो आप ऐसे समझ सकते हैं precedence का मतलब है rank of operator. जिस operator की rank high होती है वो पहले evaluate होता है, जिसकी low rank होती है वो बाद. Preprocessor. So pre-processing is the first step in the C program compilation stage. After pre-processor expansion, an intermediate code is received by the compiler. So आपने hash include और hash define को use किया होगा. तो जब भी आप program को compile करते हैं तो सबसे पहले वो अपना task perform करते हैं, मतलब वो अपने आप को replace करते हैं जहां भी उनकी requirement है उस code से. Program बहुत ही simple है. A collection of instructions that tells the computer what to do. A program is generally known as a software and the programs users work with such as word processor, spreadsheet are called applications or application programs. Okay. Thus the term software application, program and instructions are synonymous in the sense that they all tell the computer what to do. So, छोटे sense में program है, बड़े sense में application है, उससे भी बड़े sense में software है. ठीक है, तो अपन इंटरचेंजेबली इन टर्म्स को यूज करते हैं. देन कम्स रिकर्जन. रिकर्जन एक स्पेशल प्रोसेस होता है वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ. तो अगर एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो वो रिकर्सिव प्रोसेस कहलाता है. रिटर्न टाइप. सो जब भी आप फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है विच टेल्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू विल बी रिटर्न बाय अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड. सो इट कैन बी इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड, कुछ भी हो सकता है. साइज ऑफ एरे. जब भी आप एरे क्रिएट करते हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज मेंशन करते हैं. तो ये स्क्वायर ब्रैकेट दो रोल प्ले करते हैं, कभी तो ये साइज बताते हैं और कभी इंडेक्स. तो अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट को डेटा टाइप के साथ यूज किया तो वो हमेशा साइज बताएंगे, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट को विदाउट डेटा टाइप यूज किया तो वो हमेशा इंडेक्स बताते. सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू प्रोसेस डेटा. The two major categories of softwares are system software and application softwares. Then comes storage classes. So to fully define a variable, one need to maintain not only its type, but also its storage class. In other words, not only do all variables have a data type, they also have a storage class. So jo bhi variable aap banate hain, to har variable ke saath ek storage class associated hota hai. So total four storage classes hai, automatic, register, static and external. तो इनको एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो. स्ट्रिंग. द वे अ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स कैन बी स्टोर्ड इन एन इंटीजर एरे, सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड इन अ कैरेक्टर एरे.
character array are many times also called strings. तो string की एक special property होती है कि उसके end में null character automatically insert हो जाता है, जिससे हम identify कर सकते हैं कि total number of characters कितने हैं. Structure is a constructed data type which is used to store elements of different types together under a single name. तो आपसे पूछा जा सकता है कि array और structure का difference क्या है. So array में एक ही variable में similar value store करते हैं, जबकि structure में एक ही variable में different type of values को हम store कर सकते हैं. Now comes switch. So the control statement which allows us to make a decision from the number of choices is called a switch, or more correctly a switch case default. तो इसमें तीन keyword है, switch, case and default. Since these three keywords go together to make up the control statement. तो बहुत सारे options में से जब आपको एक option select करना है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे, switch statement. Then comes syntax. तो syntaxes are basically rules. So the rules governing the structure of a language statement. It specifies how words and symbols are put together to form a phrase. तो आपने सुना होगा बहुत बार कि हम लूप यूज करेंगे तो उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए, फॉर लूप कैसे लिखते हैं, वाइल कैसे लिखते हैं, या इफ एल्स कंडीशन लगानी है तो कैसे लिखेंगे. तो हर चीज को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, दैट इज नोन एज सिंटेक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब आप लर्न करेंगे तो आपको उसके सिंटेक्सेस पता होना बहुत ही जरूरी है. सिंटेक्स एरर, अगर आपने सिंटेक्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया तो कंपाइलेशन टाइम पर सिंटेक्स एरर्स मिलती है. तो सिंटेक्स एरर्स को पहले रिजॉल्व करना होता है, तभी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा. टेक्स्ट फाइल्स, सो कंटेंट्स आर स्टोर्ड एज कैरेक्टर्स. टेक्स्ट फाइल कुड बी क्रिएटेड बाय अ टेक्स्ट एडिटर, इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इन मेमोरी, इट कैन बी इजीली व्यूड एंड मॉडिफाइड. तो मैंने जो फाइल हैंडलिंग का वीडियो इस प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है उसमें टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों को यूज करके बताया, तो आप वो वीडियो देखकर डिफरेंस एनालाइज कर सकते हो. टर्नरी ऑपरेटर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एज अ कंडीशनल ऑपरेटर. तो इसमें दो सिंबल हम यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ये इसका सिंटेक्स है. तीन आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एक्सप्रेशन वन, देन एक सिंबल, देन एक्सप्रेशन टू, देन दूसरा सिंबल, देन एक्सप्रेशन थ्री. तो तीन ऑपरेंड है, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री, और दो ऑपरेटर्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर. एक्सप्रेशन वन कंडीशन को बताता है, एक्सप्रेशन टू ट्रू पार्ट को, और एक्सप्रेशन थ्री फॉल्स पार्ट. टाइप डेफ, सो टाइप डेफ इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लोन ऑफ डेटा टाइप. तो जैसे आप इंट यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि इंट के प्लेस पर अगर मैं इंटीजर वर्ड से वेरिएबल क्रिएट कर पाऊं, तो आप इंट की जो पावर्स है वो किसको दे सकते हो, इंटीजर वर्ड को. सिमिलरली कैर के लिए आप यूज कर सकते हैं कैरेक्टर. तो टाइप डेफ बेसिकली एक डेटा टाइप की प्रॉपर्टी किसी दूसरे वर्ड को असाइन करने का काम करता है. तो डेटा टाइप के क्लोन्स आप क्रिएट कर सकते हैं. यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज व्हिच टेक्स ओनली वन ऑपरेटर एंड वन ऑपरेंड टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन. तो आपने यूज किया होगा प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स. यूनियन, ईच मेंबर हैज इट्स ओन स्टोरेज, ऐसा हम स्ट्रक्चर में देखते हैं. Whereas all the members of a union use the same location. तो union में जो memory location है वो share होता है by all the members. जबकि structure में हर member को different memory मिल जाती है. This implies that although a union may contain many members of different types, it can handle only one member at a time. तो आपकी requirement है कि आपको बहुत सारे variables तो declare करने हैं, but एक time पर एक ही use करना है ताकि memory save हो पाए, तो आप union बना सकते. User defined function, so these are those whose definitions are defined by the user itself, and it can be called in the main function. Main is also a user defined function. Then value at address, जो हम pointer में use करते थे, तो यहाँ पर हम इसको use करते हैं asterisk, जो कि किसी भी pointer में जो variable का address stored है उसकी value identify करने का काम करता है. So this operator is used in pointer arithmetic to retrieve value stored at a particular address. Variable, or variable is a data name that may be used to store a data value. Unlike constants that remain unchanged during the execution of a program, a variable may take different values at different times during execution. So that's all. So these are some
important points that I discussed in this video related to your preparation for Viva or campus placement interviews. So these are basic things, but you need to know all these things while you are giving any Viva or you are sitting in the interview. And remember ki ye jo points hain ye sab basic hai. ऐसा मत समझना कि आप 4-5 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको सिलेक्शन के लिए ये जो सारी चीजें यूज करनी है, तो ये हेल्पफुल नहीं होगा. बट बिगिनर्स हैं आप और इनिशियली आप प्लेसमेंट्स या वाइवा के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. एंड अगर कोई भी डाउट है मुझसे डिस्कस करना है तो ये मेरी डिटेल्स हैं. एंड पूरी वीडियो सीरीज को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपने सिर्फ ये इंटरव्यू क्वेश्चन ही देखे हैं बट आप चाहते हैं कि मुझे हर टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, तो पूरी वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप पूरी वीडियो सीरीज फॉलो कर सकते हैं. एंड आई होप कि ये मेरे जो वीडियो में मैंने क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.